हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है नोवेटेक चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग के अपडेट्स, यानी कि हम सभी को मालूम है एंड्रॉयड पाई कंप्लीट हो चुका है, सभी स्मार्टफोन्स के अंदर आ चुका है। अब बारी है एंड्रॉयड 10 की, और इस बार ऐसा लग रहा है कि सैमसंग काफ़ी जल्दी एंड्रॉयड 10 लेकर आने वाला है। यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाया था एंड्रॉयड 10 के फर्स्ट लुक के ऊपर, जहाँ पर कि एक अर्ली बिल्ड फॉर्मवेयर पे एक वीडियो अपलोड हुआ था यूट्यूब पे, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना करके काफ़ी टाइम पहले अपलोड करा था। अगर आप नहीं देखिए तो फिर आप ज़रूर देखना, वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स के बारे में बताया गया है जो कि हमें एंड्रॉयड 10 के अंदर देखने को मिलेंगे। तो मैं उसका जो है आई बटन में डाल दूंगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सैमसंग जिस तरीके से अपडेट्स को रोल आउट करता है और कब कब रोल आउट होगा, यानी कि काफ़ी सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि भाई सैमसंग के A50 में कब आएगा। काफ़ी सारे को ये कन्फ्यूजन है कि भाई सैमसंग के गैलेक्सी SA6 2018 में कब तक आएगा, और मतलब काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स हैं। तो मैं आपको हर एक चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा आज की इस वीडियो में, तो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो थोड़ा मैनेज कर लेना, और अगर फ्री हो तो पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाओ, आराम से देखो वीडियो को। सो मैं सैमसंग को लगभग से मतलब 10-12 साल से यूज़ कर रहा हूँ, और मैं सैमसंग के ही ज़्यादातर स्मार्टफोन यूज़ करता हूँ। बट सॉफ्टवेयर पर जो सैमसंग ने फोकस करना स्टार्ट करा है वो लगभग 5-6 साल से सॉफ्टवेयर पर इतना ज़्यादा फोकस करा है। उससे पहले भी सॉफ्टवेयर अपडेट आते थे, मैं जरूर अपडेट मिलते थे, बट कोई इतना ध्यान नहीं देता था। बट सैमसंग काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया, और एक जियो वगैरह आने के बाद में सॉफ्टवेयर को लेकर के ज़्यादा ही डिमांड बढ़ गई पब्लिक की, तो सैमसंग ने भी अपनी अपडेट पॉलिसी में चेंजेस करे थे। उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे आज की इस वीडियो में, हम बात करेंगे कि भाई सैमसंग किस तरीके से वन बाय वन किस किस कैटेगरी में और कैसे कैसे सैमसंग मेजर ओएस अपग्रेड रोल आउट करने वाला है एंड्रॉयड 10 का। सो जैसे कि हमेशा होता है उसी तरीके से इस बार भी होगा। यहाँ पर सबसे पहले जो सैमसंग मेजर ओएस अपग्रेड रोल आउट करेगा वो अपने लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के लिए करेगा। सबसे पहले हमें जो है एंड्रॉयड 10 UI 2.0 देखने को मिलेगा सैमसंग के गैलेक्सी S10 और S10 प्लस के अंदर, अब S10 ई के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। इन तीनों स्मार्टफोन के अंदर हमें सबसे पहले एंड्रॉयड 10 और UI 2.0 देखने को मिलेगा। उसके बाद में हो सकता है सैमसंग अपने S9 और S9 प्लस को अंदर भी जो है एंड्रॉयड 10 का जो अपडेट है वो रोल आउट कर दे, या हो सकता है उससे पहले सैमसंग अपने सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 और नोट 10 प्लस में रोल आउट कर दे। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सैमसंग एस सीरीज़ के लिए हमेशा से ही काफ़ी ज़्यादा फोकस करता आया है, और सैमसंग अपनी एस सीरीज़ में काफ़ी जल्दी मेजर ओएस अपग्रेड प्रोवाइड करा लेता है। तो हो सकता है सैमसंग अपने नोट 10 और नोट 10 प्लस से पहले S9 और S9 प्लस में दे दे, और जब हमारे सैमसंग के गैलेक्सी S9 और S9 प्लस के अंदर एंड्रॉयड 10 और UI 2.0 आ जाएगा, उसके लगभग एक हफ्ते बाद या हो सकता है 2-3 दिन बाद के अंदर 2-3 दिन के अंदर सैमसंग का जो गैलेक्सी नोट 9 है उसके अंदर भी हमें जो है एंड्रॉयड 10 और UI 2.0 देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हार्डवेयर बिल्कुल सेम है। अब एक चीज़ और मैं आपको एक पॉइंट और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सैमसंग अपने नोट 10 और नोट 10 प्लस में मतलब S10 के एकदम बाद क्यों नहीं दे सकता, बिकॉज वहाँ पर प्रोसेसर डिफरेंट है इंडियन यूनिट्स के लिए, क्योंकि एक्जिनोस का 9825 कुछ प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि डिफरेंट है S10 के कंपैरिजन में। अदरवाइज जितने भी अब तक जितने भी सैमसंग के S सीरीज़ के नोट सीरीज़ के फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स आते थे उन दोनों में सेम प्रोसेसर यूज किया जाता था, बट इस बार नहीं हुआ। इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि सैमसंग अपने S9 और S9 प्लस के अंदर रिलीज़ करते ही कुछ दिनों के अंदर ही, या हो सकता है साथ में ही रिलीज़ कर दे नोट 9 के लिए भी। इसके बाद में सैमसंग अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स को कंप्लीट, यानी कि लेटेस्ट और पुराने फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स को कंप्लीट करने के बाद में आता है अपने हाई मिड रेंज स्मार्टफोन्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सैमसंग का A70 है। सैमसंग की जो A सीरीज़ है अब वो बेसिकली J सीरीज़ में आ चुकी है, बट वहाँ पर भी काफ़ी प्रीमियम स्मार्टफोन्स भी है और मिड रेंज स्मार्टफोन्स भी हैं। अब यहाँ पर सैमसंग का A80 हो गया। सैमसंग का काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स है जो कि 20,000 के ऊपर आते हैं, जैसे कि हमारा A50 तो 20,000 में ही है। सो सैमसंग के A50 में भी जल्दी मेजर ओएस अपग्रेड प्रोवाइड किया जा सकता है फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स कंप्लीट होने के बाद में, क्योंकि A सीरीज़ की बारी आ जाएगी। अब ये 20,000 और 20,000 के ऊपर के जितने भी स्मार्टफोन्स हैं सैमसंग का A60 A70 एंड A80 इन सभी में जो है फिर मेजर ओएस अपग्रेड मिलना स्टार्ट हो जाएंगे।
और मुझे ऐसा लगता है सैमसंग मतलब अपनी ए सीरीज़ में हाई प्रीमियम कैटेगरी के जो स्मार्टफोन्स हैं उनमें तो रोल आउट करेगा ही, बट सैमसंग A50 में भी ज़्यादा देर नहीं लगाने वाला क्योंकि इसके सॉफ्टवेयर पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और इसको एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन के कंपैरिजन में मतलब मैं अगर कंपेयर करूँ फ्लैगशिप स्मार्टफोन से तो कुछ कम ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, मतलब काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है इसको सॉफ्टवेयर के मामले में। हर चीज़ इसकी इतनी ज़्यादा इम्प्रूव की गई है, जब मैंने अपने A50 को परचेज़ करा था और अब अगर मैं कंपेयर करता हूँ सिर्फ बैटरी को छोड़ गए और थोड़ा सा हीटिंग इश्यूज़ हैं, मतलब लेटेस्ट अपडेट में वो फिक्स हो जाएंगे सितंबर के अपडेट के अंदर, मुझे इतना कंफर्म हूँ। सैमसंग जिस तरीके से इस पर फोकस रख रहा है, बट काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट्स इसको इम्प्रूव कर रहा है। सुपर स्टडी मोड जो एक हाईलाइट पॉइंट है सैमसंग के A50s का, वो सैमसंग ने A50 के अंदर जुलाई के सिक्योरिटी पैच में ही इंक्लूड कर दिया था। तो काफ़ी सारे फीचर्स को सैमसंग ने अपने A50 के अंदर इंक्लूड करे हैं और उसको काफ़ी एक बेहतर स्मार्टफोन बना दिया है। जब लॉन्च करता उसके कंपेरिजन में तो मतलब ये समझ लो 30-40% ज़्यादा अच्छे फीचर्स और स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करा है सैमसंग ने अपने A50 के अंदर। तो A50 के अंदर भी काफ़ी जल्दी हमें जो है मेजर वॉइस अपडेट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में सैमसंग अपने पुरानी मिड रेंज स्मार्टफोन्स को अपडेट करेगा, जैसे कि जे सीरीज को हो गए, यहाँ पर सैमसंग का J6 इन्फिनिटी है, सैमसंग का J8 इन्फिनिटी है, सैमसंग का A6 2018 है, सैमसंग का A6 प्लस है, और भी काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स हैं जैसे कि सैमसंग का A7 2018 मॉडल। इन सभी को सेकंड मेजर ओएस अपडेट मिलेंगे क्योंकि अभी तक इनको एक मेजर ओएस अपडेट मिलता था, बट 2018 से इनको सेकंड दो मेजर ओएस अपडेट मिलने लगे हैं, जब से सैमसंग ने अपने J7 Prime 2016 इनमें रोल आउट किए थे। तो उसके बाद से दो मेजर ओएस अपडेट ही मिलते हैं अब सैमसंग के मिड रेंज स्मार्टफोन्स को, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और सैमसंग का जो J6 इन्फिनिटी है, सैमसंग का जो A7 2018 मॉडल है, इन सभी को आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड ओरियो के साथ में रिलीज किया गया था, जिसके बाद में इनको जो फर्स्ट मेजर ओएस अपडेट वो एंड्रॉयड पाई का मिला था, अब सेकंड मेजर ओएस अपडेट इनको एंड्रॉयड 10 और UI 2.0 का देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल देखा जाए तो सैमसंग ने 4 कैटेगरीज में अपने मेजर ओएस अपग्रेड को बांटा हुआ है। सबसे पहले वो अपने लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स को करते हैं, उसके बाद में सैमसंग अपने पुराने फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स को करते हैं, एंड देन सैमसंग अपने हाई मिड रेंज स्मार्टफोन्स को करता है, उसके बाद में सैमसंग अपने मिड रेंज स्मार्टफोन को करता है, फिर आता है अपने पुराने मिड रेंज स्मार्टफोन और हाई मिड रेंज स्मार्टफोन के ऊपर, मतलब मिड रेंज करने के बाद में पुराने हाई मिड रेंज, उसके बाद में फिर मिड रेंज। अब यहाँ पर अगर बात की जाए कि कब तलक सैमसंग मेजर ओएस अपग्रेड रोल आउट करना स्टार्ट करेगा, तो अभी तलक कोई ऐसी कंफर्म न्यूज़ नहीं आई है, बट जिस तरीके से सैमसंग सॉफ्टवेयर पर वर्क कर रहा है और जिस तरीके से सॉफ्टवेयर को काफ़ी सीरियसली ले रखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सैमसंग मतलब नेक्स्ट मंथ से ही स्टार्ट हो जाएगा रोल आउट करना, और शायद से हमें एंड्रॉयड 10 UI 2.0 का बीटा वर्जन में S10 और S10 प्लस के लिए देखने को मिल जाए नेक्स्ट मंथ। अदरवाइज नवंबर में कंफर्म है कि हमें एंड्रॉयड 10 मिल जाएगा, और दिसंबर या जनवरी में हमें सैमसंग के पुराने फ्लैगशिप स्मार्टफोन जैसे कि S9 हो गया और Note 9 हो गया, इनके अंदर देखने को मिल जाए। और पिछली इस साल यानी कि 2019 में ऐसा हुआ था कि फरवरी में ही सैमसंग का A7 2018 को बीटा प्रोग्रामिंग में एंड्रॉयड पाई मिल चुका था, तो हो सकता है हमें बीटा प्रोग्रामिंग सैमसंग के A50 A70 में देखने को मिल जाए नेक्स्ट ईयर जनवरी या फरवरी में ही। अगर नहीं मिलता है तो मैं कह सकता हूँ कि मार्च तक हमें कन्फर्म है कि A50 के अंदर हमें और A70 के अंदर जो है एंड्रॉयड 10 देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो कि मतलब मैंने मिस कर दी है। तो यहाँ पर सैमसंग की हमें मालूम है एक नई सीरीज़ आई है सैमसंग की ऑनलाइन, जो कि M सीरीज़ है। अब यहाँ पर जब सैमसंग अपनी A सीरीज़ के स्मार्टफोन्स को अपडेट कर देगा, उसके बाद में सैमसंग अपनी M सीरीज़ के स्मार्टफोन को अपडेट करेगा। इस वक्त वो मिड रेंज स्मार्टफोन वही है, हाई मिड रेंज तो सैमसंग के A सीरीज़ के हैं, A50 और A50 के ऊपर के जितने भी स्मार्टफोन्स हैं वो सभी सैमसंग है हाई मिड रेंज कैटेगरी में आते हैं, उसके अलावा जितने स्मार्टफोन्स हैं वो सैमसंग के मिड रेंज कैटेगरीज में आते हैं। एंड इसी तरीके से सैमसंग की M सीरीज़ भी M10 मिड रेंज और एक बजट स्मार्टफोन कह सकते हैं उसको, उसके अलावा सैमसंग का M20 M30 ये मिड रेंज कैटेगरी में आते हैं। तो सैमसंग अपनी A सीरीज़ को अपडेट करने के बाद में अपने M सीरीज़ को करेगा, उसके बाद में सैमसंग अपनी पुरानी J सीरीज़ को अपडेट करेगा। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारा J सीरीज़ है उसको नेक्स्ट ईयर जून जुलाई में एंड्रॉयड 10 का जो अपडेट है वो देखने को मिल सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। जैसे ही कोई कंफर्म न्यूज़ आएगी तो मैं आपको अपने चैनल पर अपडेट कर दूंगा, तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन किया हो, और आई होप आपको मैंने हर एक चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, सही तरीके से आपके समझ आ गया होगा।
एंड अगर आपका फिर भी कोई सवाल होता है तो मुझे नीचे कमेंट ज़रूर कर देना, मैं डेफिनेटली उस कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा, कोशिश नहीं कर दूँगा, जितने भी कमेंट आएंगे इस वीडियो पे सब का रिप्लाई करेंगे हम। तो यही था आज की इस वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो चलेगी तो यार लाइक कर दो, शेयर कर दो, और मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग आउट।